नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन की वजह से क्या स्पर्म काउंट कम होता है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा अक्सर हस्बैंड्स पूछते हैं। तो आपको स्पर्म प्रोडक्शन और इजैकुलेशन के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है। टेस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है जो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में स्पर्म्स बनाता है। ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। इनके इन्फ्लुएंस में यानी कि इसके प्रभाव से जो सेल्स अंदर, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स में तैयार होते हैं, मैच्योर होते हैं। ये स्पर्म्स टेस्टिस में तैयार होने के बाद एपिडिडिमिस नामक एक छोटे से पाउच में कलेक्ट होते हैं। वहीं पे टेस्टिस के ऊपर ही होता है, तो वहां पे ये कलेक्ट होते हैं। हर रोज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा स्पर्म्स रोज प्रोड्यूस होते हैं, रोज मैच्योरिटी में आते हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर है स्पर्म्स का प्रोडक्शन 30 से 70 डेज तक का होता है। आज अगर स्पर्म प्रोड्यूस बनना शुरू हुआ है, 70 दिन के बाद ये प्रोड्यूस होके एपिडिडिमिस में कलेक्ट होता है। तो ये प्रोडक्शन का जो साइकिल है 70 डेज का होता है और एपिडिडिमिस में कलेक्ट होता है। पुराने स्पर्म्स मर जाते हैं और नए स्पर्म्स वहां पे कलेक्ट होते हैं। ये सारा प्रोसीजर 70 डेज का होता है। जब इजैकुलेशन होता है तो एपिडिडिमिस से स्पर्म्स बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आने के पहले सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट से फ्लूइड रिलीज होता है और इजैकुलेट में स्पर्म्स और ये सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट का फ्लूइड कलेक्ट होता है। इसे सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, जो न्यूट्रिशन देता है स्पर्म्स को, उसे मोटिलिटी देता है, उसे आहार समझिए उसका न्यूट्रिशन होता है, जिसकी वजह से वो मैच्योर होता है और अंडे को फर्टिलाइज करने का कैपेसिटी रखता है स्पर्म। तो इसीलिए ये सारा जो मशीनरी है वो बहुत जरूरी है। जब फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट करते हैं तो क्या स्पर्म काउंट और हेल्थ खराब होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, हर रोज मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप एक दिन में 2-3 बार इजैकुलेट करते हैं तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है हर इजैकुलेट के साथ, क्वालिटी कम नहीं होता, क्योंकि फिर से नेक्स्ट दिन के स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। डेली इजैकुलेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली इजैकुलेशन भी अच्छा है, क्योंकि जो पुराने स्पर्म्स हैं वो चले जाते हैं और नए स्पर्म्स बनते रहते हैं। ऑप्टिमली यानी 1-2 बार अगर आप इजैकुलेट कर रहे हैं हर रोज भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इनफैक्ट एब्स्टिनेंस, ज्यादा दिन अगर आप इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं तो ये खराब हो सकता है स्पर्म्स के लिए, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ सकता है। जो डीएनए स्पर्म के हेड में होता है वो खराब हो सकता है या मोटिलिटी कम आ सकता है। पुराने स्पर्म्स, जो बूढ़े स्पर्म्स होते हैं वो भी कलेक्ट होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो अगर अंडे तक पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सो फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन खराब नहीं है, नंबर ऑफ स्पर्म्स कम हो सकते हैं मगर क्वालिटी खराब नहीं होता। ऑप्टिमली 1-2 इजैकुलेशन रोज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एब्स्टिनेंस मत करिए, एब्स्टिनेंस से स्पर्म क्वालिटी बिगड़ता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।